चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय। ठीक है, तो ये समुच्चय होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेट्स। ठीक है, तो देखिए हम परिभाषा पहले समझ लेते हैं, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए, इस परिभाषा को समझने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं इसमें, उसको समझना है। पहला, विभिन्न वस्तु यानी अलग अलग वस्तुओं का, ठीक है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित मतलब सुपरिभाषित संग्रह, तो संग्रह सुपरिभाषित हो तो वो समुच्चय होता है। अब देखिए सुपरिभाषित किसको बोलते हैं, संग्रह किसको बोलते हैं, जब ये समझ में आ जाएगा तो समुच्चय समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, एकदम समझिए, ठीक है, क्लियरली हम समझा देते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहले तो परिभाषा देखिए, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी अलग अलग वस्तुओं के डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कौन संग्रह होता है, ठीक है, कौन सुपरिभाषित होता है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। तो पहला देखिए, संग्रह क्या होता है, संग्रह किसको बोलते हैं, तो समझिए संग्रह मीन्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों का संग्रह, ये एक संग्रह है, ठीक है, मछलियों का संग्रह, ठीक है, गधों का संग्रह, जानवरों का संग्रह, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह, तो ये सब क्या है, संग्रह है। अब उसमें से ऐसा संग्रह, ठीक है, जो सुपरिभाषित हो, यानी संग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्शन, यानी एक तरह का समूह, ठीक है। तो देखिए, तो वैसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो उसी को हम लोग समुच्चय बोलते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें ये है, हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए एक समुच्चय ए है, इसमें लिखा है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, दूसरा है भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, दोनों को समझते हैं, ठीक है, कौन सा संग्रह सुपरिभाषित है, जो संग्रह सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा, अदरवाइज समुच्चय नहीं होगा, ठीक है, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। तो देखिए पहला पॉइंट है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, तो यह सुपरिभाषित है कि नहीं, इसके लिए हम लोग एक देखिए हम कैसे एक मेथड बताते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं कि वो सुपरिभाषित है कि नहीं। तो पहला पॉइंट कैसे चेक करते हैं, तो वो देखिए पहला पॉइंट ये है चेक करने का कि आप एक ऐसा क्वेश्चन एनालाइज कीजिए जिसका आंसर सब जगह सेम मिले। जैसे इसी पर हम एक क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं, पहला भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, यानी आप किसी से पूछिए कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह क्या क्या है, यानी मेरे कहने का मतलब कि जो अभी जो जैसे मान लीजिए आप 15 प्लेयर टोटल चुना जाता है, उसमें से 11 प्लेयर खेलता है, ठीक है, 15 प्लेयर्स 15 सदस्यीय टीम बनाया जाता है क्रिकेट मतलब प्लेयर्स का, उसमें से 11 प्लेयर्स प्ले ऑफ 11 में रहते हैं, उसको वो जाके मतलब ग्राउंड में खेलते हैं। तो मेरे कहने का मीनिंग है जो भी मैच, कोई भी मैच का दौरा करने से पहले उन टीम का अनाउंसमेंट हो जाता है टीम की तरफ से। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम है तो अगर मतलब मान लीजिए न्यूजीलैंड दौरा पर जाना है तो कौन कौन से 15 प्लेयर जा रहे हैं उनका नाम पहले ही अनाउंस हो जाता है अखबार में, यानी सब किसी को पता चल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब हम किसी से पूछे हैं यहाँ पर छपरा में, किसी से पूछते हैं कि बताओ बाबू भारतीय क्रिकेट टीम जो न्यूजीलैंड दौरे पर जा रही है उसमें कौन कौन से प्लेयर जा रहे हैं, मतलब कौन कौन से प्लेयर का चयन हुआ है, तो 15 को जो प्लेयर होंगे उनका नाम रख लेगा कि हाँ ये बिकॉज वो पहले ही नाम अनाउंस हो चुका, तो सबको पता हो गया, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड में जाकर अगर किसी से पूछते हैं कि बताइए भारतीय क्रिकेट टीम में जो प्लेयर सभी आए हैं वो कहाँ कौन कौन है, उनका नाम क्या है, तो वहीं वो भी मतलब वही नाम बताएगा, ना कि उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम रखेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि वो भी वही नाम रखेगा जो यहाँ पर कोई रखेगा। जैसे मान लीजिए दूसरे स्टेट में जाइए, ठीक है, दूसरे स्टेट में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, वहाँ पूछिए कि भारतीय क्रिकेट टीम जो न्यूजीलैंड दौरे पर जा रही है उसमें कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, तो भी वही नाम रखेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग रखेगा। तो देखिए यानी इसका आंसर सब जगह सेम मिल रहा है, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, ठीक है, तो उसका आंसर सभी जगह सेम मिलेगा। जब सभी जगह सेम मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस संग्रह को सुपरिभाषित बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर सब जगह सेम मिलेगा, एकदम क्लियर है। आप ऑस्ट्रेलिया जाए वहाँ पूछिए कि भारतीय क्रिकेट टीम जो न्यूजीलैंड दौरे पर गई है उसमें इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से कौन कौन गया है, तो जो क्रिकेट के बारे में जानता है वो जरूर बता देगा कि हाँ ये प्लेयर गया है, ठीक है, ठीक है, उसमें 15 प्लेयर ये चुने गए हैं, उसमें से 11 प्लेयर आज क्रिकेट है तो आज खेले, तो ये सब किसी को पता हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सब जगह सेम मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं बताएगा इसमें कि राहुल द्रविड़, बिकॉज सब संन्यास ले चुके हैं,
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इसका आंसर सब जगह से मिलेगा, इसका मतलब यह जो संग्रह है सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय है। देखिए इसमें समझते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, तो इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, इसका आंसर सब जगह सेम नहीं मिलेगा। जैसे हम बोल रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, हम किसी लड़का से पूछते हैं बताओ बाबू भारतीय क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, अच्छे प्लेयर का, उसमें अच्छे प्लेयर का बताओ नाम, तो बताएगा कोई बोलेगा किसी की नज़र में महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा है, तो बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी। कोई बोलेगा कि नहीं रोहित शर्मा इज द बेस्ट, फिर कोई बोल रहा है कि नहीं विराट कोहली इज द बेस्ट, और दूसरे वो मतलब सबका आंसर डिफर करेगा, सबका आंसर डिफर करेगा। यानी मेरे कहा अगर 15 सदस्यीय टीम है, ठीक है, तो उसमें ही अलग अलग चेंज हो सकता है सबका। कोई बोलेगा नहीं शिखर धवन इज द बेस्ट, मतलब शिखर धवन उसको अच्छा है, यानी देखिए इसका आंसर डिफर कर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम को अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, तो अच्छा को परिभाषित करना यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कभी कभी विराट कोहली बहुत बढ़िया खेलता है तो सबको लगता है विराट कोहली द बेस्ट, ठीक है। कभी रोहित शर्मा तो बहुत बढ़िया खेल रहा है, रोहित शर्मा इज द बेस्ट। कोई कभी कभी बोला जाता है कि यार T20 स्पेशलिस्ट के राहुल इज द बेस्ट, तो सबके नज़र में इसका आंसर डिफर कर रहा है, मतलब अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है। अगर सेम आता, ठीक है, तो वो सुपरिभाषित होता, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है इसलिए समुच्चय नहीं है। तो देखिएगा यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, ठीक है, इसलिए यह समुच्चय है, ठीक है। देखिए यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छा का परिभाषा में अलग अलग हो, ठीक है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, ठीक है। देखिए सिंपल सा पॉइंट हम क्या बताए हैं समुच्चय के बारे में, फिर से एक बार रिपीट कर दे, समुच्चय क्या होता है, तो विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं का मतलब अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उसमें संग्रह क्या होता है, तो संग्रह के बारे में आप लोगों को बता दिए कि जैसे विद्यार्थियों का संग्रह हो गया, मत संग्रह मतलब एक समूह होता है, पंक्षियों का संग्रह हो गया, ठीक है, मछलियों का संग्रह हो गया, गधों का संग्रह हो गया, जानवरों का संग्रह हो गया, सब संग्रह, ठीक है, उसमें से वैसा संग्रह समूच को बताता है जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित कैसे चेक करते हैं, तो एग्जाम्पल समझे कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, तो मतलब इसका आंसर सब जगह से मिले, ठीक है, इसलिए सुपरिभाषित, ठीक है, ये सब कोई बता सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम में जो प्लेयर चयनित होते हैं उसका नाम सब किसी को पता होता है, ठीक है, सब कोई सेम बताएगा, इसका मतलब इसका आंसर सब जगह सेम मिलेगा, इसलिए सुपरिभाषित है। लेकिन यह सुपरिभाषित नहीं है, बिकॉज ये अच्छा का परिभाषा यहाँ पर जो वो सुपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है अच्छा का परिभाषा। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि अच्छा खिलाड़ियों का संग्रह है, तो इस सबके नज़र में इसका आंसर अलग अलग आएगा, डिफर करेगा आंसर, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं है, बिकॉज परिभाषा ही बोल रहा है कि सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय होता है, ठीक है। चलिए और बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर से चेक करना है कि कौन सा संग्रह सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। तो देखिए 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, क्या इसके अवयव परिभाषित हैं? तो 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, तो इसके अवयव परिभाषित है, क्योंकि सबको पता है इसका आंसर, सबको पता होगा, सब सेम ही बताएगा, बिकॉज 10 से छोटी पूर्ण संख्या क्या क्या होता है, तो सबको पता है 10 से छोटी पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या है ना जी, तो 10 से छोटी सबको बता सकता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी सब कोई वही बताएगा कि 10 से छोटी पूर्ण संख्या 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो ये मतलब इसके अवयव सुपरिभाषित है, इसलिए सुपरिभाषित है बिकॉज ये सब मतलब इसका आंसर सब जगह सेम मिलेगा, सब कोई सेम बताएगा, यानी सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय है, ठीक है। देखिए इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, ठीक है, तो एकदम ये भी समुच्चय, इसका अवयव भी सुपरिभाषित है, यह भी सुपरिभाषित है, यानी ये भी समुच्चय है, बिकॉज हॉकी टीम के खिलाड़ियों का संग्रह तो पहले ही नाम अनाउंस होता है, ठीक है, तो सबको पता हो जाएगा कि भारतीय की हॉकी टीम में ये प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सुपरिभाषित है। खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह सुपरिभाषित नहीं है,
बिकॉज सबके नजर में ऐसा थोड़े ना है कि शेर और बाघ खतरनाक होता है। कभी कभी होता क्या है, रास्ते पे जा रहा हूँ कुत्ता काट लिया, उस समय तो कुत्ता ही खतरनाक हो गया ना। तो खतरनाक का उसको डिफाइन करना ठीक है, अलग अलग सबके नज़र में खतरनाक का डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगा ठीक है। कभी कभी जा रहे हो गाय पीछे से मारी ठीक है, गिर गया, डेथ हो गया ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि सबके नज़र में खतरनाक, कभी कभी सब खतरनाक हो जाएगा, स्नेक काट लिया गया। तो मेरे कहने का मतलब सबके नज़र में खतरनाक का डेफिनेशन अलग अलग, यानी सबका आंसर अलग अलग आएगा खतरनाक का ठीक है। तो आजकल आदमी भी खतरनाक जानवर से कम थोड़े ना है ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब खतरनाक जानवरों का संग्रह यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि सबके नज़र में खतरनाक का डेफिनेशन अलग अलग होगा। सबके नज़र में जानवर खतरनाक जानवर का नाम अलग अलग होगा, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है समुच नहीं है। देखिएगा, सौ से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो सौ से कम सभी प्राकृतिक संख्या एक से लेकर 99 तक सबको पता है, यानी सुपरिभाषित है ठीक है। लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह ठीक है, कि केवल बोल रहा है आपसे, पूछ रहे हैं कि बताइए, किसी से पूछिए कि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह बताइए, तो वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बुक ही बताएगा, उपन्यास ही बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा ठीक है। तो चेतन भगत को थोड़े बता देगा इसलिए। तो मेरे कहने का मतलब हमेशा जो बताएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो वो एक फिक्स होता है कि हाँ इनका ये बुक लिखा हुआ है, तो ये सबको पता है, तो ये सुपरिभाषित ठीक है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी पता है सबको कि संपूर्णांक क्या होता है ठीक है। संपूर्णांक क्या होता है, तो उसमें देखिए संपूर्णांक होना चाहिए, संपूर्णांक मेरे कहने का मतलब सम भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। तो संपूर्णांक क्या है, संपूर्णांक क्या, 0 ± 2 जीरो सम होता है ठीक है, और ±2 ±4 ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो जाएगा 0 ± 2 ± 4, यानी सबको ये पता है संपूर्णांक क्या होता है, तो इसलिए सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है इसलिए यहाँ समूच संपूर्णांक ठीक है। तो संपूर्णांक, पूर्णांक जीरो होता है, जीरो सम है कि विषम, तो सम है, तो जीरो संपूर्णांक हो गया। 2 ± 2 ये भी संपूर्णांक है, ±4 ये भी संपूर्णांक है, ±6 ये भी संपूर्णांक है, ये संग्रह एक समूच हो गया ठीक है। देखिए ये सुपरिभाषित है, सबको पता है कि संपूर्णांक क्या क्या होता है। इसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह एकदम होगा। अगर मान लो कि यही एक तल है, इसमें बहुत सारा रेखा खींचा हुआ है, तो हम इसी में से ना बताएंगे, इसी में ये सब रेखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये सभी रेखाओं का संग्रह, किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, यानी अगर ये तल है तो इसमें जितना रेखा खींचा होगा वो सबका संग्रह बोलना है ठीक है। तो एक विशेष तल में अगर सबको बता दें कि यही तल है, इसमें रेखा खींच दिए, तो बताइए नेम लिख दिए, L1, L2, L3, L4, L5, L6 ऐसे बहुत सारा नेम लिख दिए, हम पूछेंगे बताओ कि इस तल में उपस्थित रेखाओं का संग्रह बताओ, तो वही किसी पर का नाम बोलेगा कि किसी दूसरे तल का नाम बोलेगा ठीक है। तो किसी तल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह, यानी अगर ये तल है तो इसमें स्थित रेखाओं का संग्रह सब कोई बता सकता है, इसमें लिखा रहेगा सब कोई बता सकता है, इसलिए सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है इसलिए समझ ठीक है। जी अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह, तो सबको पता है जी अक्षर से कौन क्या, जनवरी जून जुलाई, ये सबको पता है, यानी जिससे पूछिएगा वो भी बता, मतलब किसी से पूछिए कि बताओ जी अक्षर से शुरू होने वाला मंथ का नेम बताओ, तो क्या बोलेगा, जनवरी जून जुलाई, हम बोल रहे हैं तुम भी वही बोलोगे जनवरी जून जुलाई, कोई भी यही बोलेगा जनवरी जून जुलाई, इसका मतलब यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है इसलिए यह समझ है। चलिए बिहार के धनी व्यक्तियों का संग्रह, बिहार के धनी व्यक्तियों का संग्रह, यह मेरे कहने का मतलब सुपरिभाषित है कि नहीं ठीक है। तो मेरे कहने का सब कोई अपना अपने नज़र में धनी अलग अलग है ठीक है। तो मेरे कहने बिहार के धनी व्यक्तियों का संग्रह, कोई बोलेगा कि ये धनी है, तो नहीं मेरे नज़र में तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पैसा होगा ठीक है, यह सुपरिभाषित नहीं ठीक है। सबके नज़र में अलग अलग धनी होगा ठीक है, सब कोई, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्च नहीं ठीक है, इसलिए समुच्च नहीं। आप लोगों को बता दिए कि धनी का परिभाषा सब किसी में अलग अलग है ना, सब कोई अलग अलग बताएगा कि नहीं। हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो सबसे ज़्यादा धनी, फिर बोलेगा कि नहीं लालू यादव सबसे ज़्यादा धनी है क्योंकि उस इतना साल मुख्यमंत्री रहा, चाहे अलग अलग बिजनेस मैन का नाम बताएगा कोई, तो मेरे कहने का मतलब सबके नज़र में धनी अलग अलग होगा, जो डेफिनेशन इसका अलग अलग होगा, सब कोई अलग अलग नेम बताएगा इसमें। तो मेरे कहने का मतलब तो ये सुपरिभाषित इसको थोड़े ना बोलते हैं, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है इसलिए एक समूच नहीं है। देखिए विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, तो विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, तो मेरे कहने का मतलब ये भी सुपरिभाषित नहीं है कि विख्यात गणितज्ञ सबके नज़र में अलग अलग होगा, सबको इसका अलग अलग आंसर देगा ठीक है। तो बोलेगा आर्यभट्ट, कोई बोलेगा न्यूटन, तो सबके नज़र में अलग अलग मेरे कहने का आंसर होगा इसका, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है इसलिए समूच है
ठीक है। तो ये हम लोग देखें केवल समुच्चय की परिभाषा पर 10 क्वेश्चन, ठीक है, वो चेक करना था कि इसमें से कौन सा संग्रह समुच्चय है, कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है तथा इसके अवयवों को प्रायः छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। देखिएगा यदि ए समुच्चय स्मॉल ए समुच्चय ए का एक अवयव हो तो इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू का साइन है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स मतलब सदस्य है, ए सदस्य है, स्मॉल ए सदस्य है कैपिटल ए का सदस्य, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए, यदि ए समुच्चय ए का कैपिटल ए का अवयव नहीं हो तो ए नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर ए जो है समुच्चय ए का अवयव है तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिख दीजिए, अगर अवयव नहीं है तो ए नॉट बिलोंग्स टू ए लिख दीजिए, ठीक है सर। देखिए अब हम लोग आता है मेन यहाँ से समुच्चयों को लिखने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं, याद रखिए। और उसके अवयवों को प्रायः छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। कभी कभी होता है कि बड़ा अक्षर उसमें लिखा जाता है लेकिन उसमें ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा टोटल। देखिए समुच्चयों को लिखने का तरीका, पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दोनों सेम हुआ, हिंदी में सारणी या तालिका रूप, ठीक है, रोस्टर मेथड से भी लिखते हैं, ठीक है, या टेबुलर फॉर्म दोनों सेम मेथड है। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप, इसको बोलते हैं सिंबोलिक फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सिंबोलिक फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए ऐसे हम लोग याद रखते हैं कि समुच्चयों को लिखने का दो ही तरीका, पहला रोस्टर रोस्टर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग समुच्चयों को लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान समझिए। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चयों को कैसे लिखते हैं तो ये समझते हैं, इन दोनों को बाय लाइन समझते हैं। चलिए हम लोग इन दोनों को समझते हैं, देखिए आगे पहला देखते हैं रोस्टर फॉर्म यानी तालिका रूप या सारणी रूप, ठीक है, इसमें भी समुच्चयों को लिखने का पहला तरीका रोस्टर फॉर्म। देखिए क्या होता है, तो इस विधि में, इस विधि में समुच्चयों के अवयवों को, समुच्चयों के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, देखिए समुच्चयों के अवयवों को मंझले कोष्टक के अंदर, मंझले कोष्टक के अंदर, इस विधि में समुच्चयों के अवयवों को मंझले कोष्टक के अंदर लिखेगा कोमा, ठीक है, देकर लिखा जाता है, लिखा जाता है, समझिएगा हम क्या बोले हैं। इस विधि में रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं समुच्चय समुच्चय को, देखिए इस विधि में समुच्चयों के अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर कोमा लेकर लिखा जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल पॉइंट है। उसके अवयवों के बीच में क्या रहता है, कॉमा रहता है, जैसे देखिएगा एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा एग्जांपल, अगर समुच्चय ए है हम इसमें लिख दिए ए ई आई ओ यू, देखिएगा एक समुच्चय ए है यहाँ, देखिए सबसे पहले हम बताए कि समुच्चयों को बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, तो ये कैपिटल ए है, बड़ा बड़ा अक्षर है, और इसके अवयवों को प्राय छोटे अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं, छोटा अक्षर है, और ये मेथड क्या है, तो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर मेथड है, कैसे, तो देखिए इसके अवयवों के बीच में कॉमा है और ये मझले कोष्टक के अंदर है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, तो समुच्चयों के अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे समुच्चय के अवयवों को हम लोग मझले कोष्टक के अंदर ही लिखते हैं हमेशा। तो देखिए इसमें समुच्चयों के अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है, ठीक है, कॉमा देकर लिखा जाता है, ठीक है, तो वो होता है रोस्टर मेथड। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे समुच्चय बी है इसमें लिख दिए ए कौमा दो कौमा तीन कौमा चार कौमा पाँच कौमा छः कौमा सात, देखिए ये प्राकृत संख्या,
ठीक है, सब के बीच में कॉमा है और मंजिल पुस्तक के अंदर है, यार ये क्या हुआ, रोस्टर मेथड हुआ, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखिए एग्जांपल, अगर हम इसमें लिख देते हैं पटना मगध सारण तिरहुत दरभंगा कोसी पूर्णिया, ठीक है, भागलपुर मुंगेर, समझिएगा ध्यान से हम क्या बोले, मतलब ये समझना है। यहाँ पे अवयव है टोटल, ठीक है, इसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अवयव है, सबके बीच में कॉमा दिए हुए हैं, ठीक है। ये पटना एक अवयव मान लिए, मगध एक अवयव मान लिए, सारण एक अवयव मान लिए, तिरहुत अवयव मान लिए, दरभंगा एक अवयव मान लिए। तो मेरे कहने का मतलब समुच्चय सी है, इसमें कॉमा देकर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक रोस्टर मेथड हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, हम ऐसे बोल रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, देखिए ऐसे हुआ, ये भी कॉमा देके लिखा हुआ है, ये भी क्या हुआ, रोस्टर मेथड हुआ, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर मेथड पहला हम लोग, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समुच्चय निर्माण रूप, हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप लिखे थे। तो देखिए क्या होता है, इस विधि में समुच्चयों के अवयवों को उनके गुणों के आधार पर आधार पर लिखा जाता है, मतलब उनका प्रॉपर्टी यूज करते हैं और लिखते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। और उस अवयव को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो मतलब उसका गुण क्या है उसे एक्स में लिख देते हैं। देखिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम कैसा हम लोग इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पर इसी को हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, देखिएगा समुच्चय है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इस समुच्चय ए को देखिएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबसे पहले जो इसमें अवयव है उसको एक्स मान लीजिए, तो मान लीजिए इसको एक्स, यहाँ पर मंझला कोष्टक अंत पहले लिख दीजिएगा, मंझला कोष्टक दीजिएगा, यहाँ पर एक्स लिखिएगा, जब भी याद रखिएगा, जब भी समुच्चय निर्माण रूप लिखना हो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो तो आप स्टार्ट कीजिएगा यहाँ समुच्चय से, एक्स सच डेट एक्स ऐसे, इसको एक्स मान लीजिएगा और लिखिएगा एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहीं से कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच डेट एक्स। और ये अब ये एक्स क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ए ई आई ओ यू क्या है, तो भवेल से यानी स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है, क्या आपको इसको एक्स मान लिया है, आपको लिखिएगा पहले ही स्टार्टिंग ये कीजिएगा एक्स सच डेट एक्स क्या है, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, हो गया, मतलब एक्स सच डेट एक्स वर्ड द वॉयल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सीधी सी बात है, मतलब ये क्या है, तो एक सर इसको एक्स मान लिया टोटल वर्ड लिख दिए, एक सर जब एक अंग्रेजी वर्ड माला के सो है, सिंपल हो गया। बी नंबर देखिएगा, बी नंबर अगर हमको देखिए एक सर डेट एक्स दो तरीके से लिखते हैं, एक सर डेट एक्स ऐसे भी लिखते हैं या एक सर डेट एक्स ऐसे भी लिखते हैं, दोनों आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी एक सर डेट एक्स ही पढ़ेंगे, इसको भी एक सर डेट एक्स ही पढ़ेंगे। देखिए इसको लिखना है तो इस सबको एक्स मान लीजिए, कले में लिखा था इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मान लिए और स्टार्ट करेंगे एक सच डेट एक्स स्टार्ट कर दीजिए, या आप ऐसे लिख दीजिए एक सच डेट एक्स लिख दिए। अब ये क्या है, तो ये प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक प्राकृत संख्या है, तो 8 से छोटी प्राकृत संख्या है, लिख दीजिए एक सच डेट एक्स क्या है, तो 8 से एक सच डेट एक्स 8 से छोटी
प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो क्या सिंपल सा पॉइंट है, ये इसको एक्स मान लिया और इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्राकृत संख्या है, तो हम लोग को सेट बिल्डर को स्टार्ट कहाँ से करना होता है, तो एक्स सच डेट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स, तो एक्स सच डेट एक्स आठ से एक, इसका प्रॉपर्टी है कि प्राकृत संख्या, लेकिन किससे छोटी है, तो आठ से छोटी, तो आठ से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। ओके, फिर इसको अगर सी को लिखना होगा, देखिए सी को, तो मेरे कहने का मतलब ये क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए, चाहे इसको एक और तरीके से लिखते हैं, बी को एक और तरीके से लिखते हैं, बी को लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स, ये मतलब अभी क्या है, ये बी में क्या है, ये तो प्राकृत संख्या है, यहाँ पर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देंगे, यानी एक्स क्या है नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स प्राकृत संख्या है, यहाँ पर x क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या में से x का वैल्यू मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब x जो सदस्य है इस प्राकृत संख्या का सदस्य है, लेकिन x का वैल्यू इस प्राकृत संख्या में कहाँ से कहाँ तक है, तो बस 8 से छोटा है, यहाँ पर लिख देंगे x लिख देंगे x, यानी समझिएगा यहाँ क्लियर होता है कि x सच डेट x, x प्राकृत संख्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन x किससे छोटा है, तो 8 से छोटा है, एक से यानी प्राकृत संख्या है लेकिन आठ से छोटा है, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, तो आठ से छोटी प्राकृत संख्या लिख दीजिए, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात लिख दीजिए, ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी नंबर, अब सी को लिखा जाए, सी क्या है, तो देखिए सी क्या है समझिए, तो सी में देखिए ध्यान से समझिए क्या लिखे हुए, सी में लिखे हुए हैं पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ठीक है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, तो वो देखिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, एक सच डेट एक्स, ये क्या है, तो सभी कमिश्नरीज है, ठीक है, ये सब प्रमंडल है, कमिश्नरी को क्या बोलते हैं, प्रमंडल, यानी ये क्या है, तो बिहार की कमिश्नरी है, यहाँ पर लिखेंगे एक सच डेट एक्स, सबको एक्स मान लेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये कमिश्नरी है, तो लिखेंगे एक सच डेट एक्स बिहार के, बिहार में 9 कमिश्नरी होता है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, 9 कमिश्नरी होता है, ठीक है। इसे आप लोगों को पता भी होगा, छोटे क्लास में पढ़े, पटना में 6 जिला होता है, मगध में 4, सारण में 3, तिरहुत में 6 जिला, दरभंगा में 3 जिला, कोसी में, कोसी है ना, कोसी में 4 जिला, पूर्णिया में 4 जिला, भागलपुर में 2 जिला, मुंगेर में 6 जिला, तो टोटल मेरा 35 जिला हो गया, ठीक है। तो देखिए एक सच डेट एक्स बिहार के प्रमंडल एक सच डेट एक्स बिहार के प्रमंडलों का नाम है। तो देखिए यहां तक हम लोग समझे, ठीक है, कि मेथड टू राइट ए सेट, हम लोग क्या समझे, मेथड टू राइट ए सेट, यानी समुच को लिखने का विधि। तो पहला क्या समझे कि रोस्टर फॉर्म समझे, मतलब रोस्टर विधि में हम लोग कैसे समुच को लिखते हैं वो बता दिए। तो रोस्टर विधि में समुचियों को के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है वो बता दिए, हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में बताए हैं कि समुचियों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं, ये भी बताए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताया कि इस विधि में समुचियों के अवयवों को उनके गुण के आधार पर लिखा जाता है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है हम यहाँ पर एग्जाम्पल सब बता दिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।